हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विजयराजे सिंधिया की जयंती मनाई गई। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुक्रवार को राजमाता विजयराजे सिंधिया की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपाइयों ने विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की ओर से उनकी जयंती नारी शक्ति सम्मेलन के रूप में मनाई गई। जेएनवीयू में दूसरे दिन हुई 112 विद्यार्थियों के नकल प्रकरणों की सुनवाई। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वर्ष 2018 की परीक्षाओं में बनाए गए नकल प्रकरणों की सुनवाई शुक्रवार को भी केंद्रीय कार्यालय स्थित बृहस्पति भवन में जारी रही। शुक्रवार को दूसरे दिन 112 विद्यार्थियों के नकल प्रकरणों पर सुनवाई की गई। बता दें कि यहां गुरुवार को पहले दिन 108 विद्यार्थियों की सुनवाई हुई थी। पर्वतारोहण कैंप में परचम लहराने के बाद जोधपुर लौटी प्रतिभा का स्वागत। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की तीन राज गर्ल्स बटालियन की एनसीसी कैडेट प्रतिभा कुमारी के वापस जोधपुर लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। देखो जागरण बन जाए।